रंजीते क्या है ये, क्या तरीका हुआ बात करने का और ये क्या तरीका हुआ कहीं से भी टपक पड़ने का? और वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सवेरे सवेरे मिर्च खा ली थी क्या? और तुमने क्या सवेरे सवेरे करेला निकल लिया था जो इतनी कड़वाहट से पेश आ रही हो? कड़वाहट? और मैं, पिताजी कहते जब मैं बोलती हूँ ना तो मौसम बदल जाता है, मोती गिरते हैं मेरी आवाज से मोती। हाँ, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम 3 दिन से मेरे साथ बेरुखी से पेश आ रही हो। बेरुखी? हलवाई ने तुम्हारी मनपसंद चीज बनाई है, बालूशाही। अभी मेरा मन नहीं। हमारी मेहताब के लिए रंजीत से बेहतर मुंडा पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा सदा कोरे। उसे बेरुखी नहीं, गर्व कहते हैं, फक्र कहते हैं रंजीते। वो क्या है ना, आजकल मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है खुद पर। तलवारबाजी जो सीख रही हूँ कोई छोटी बात थोड़ी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो मिसाल हो। हाँ वही। अच्छा मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मुझे पता है। क्या? यही कि तुम गुलाब सिंह के महल गए थे। क्या तुम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बता दो कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? कोई गुप्त से ऐसी कार्य है ना? क्यों जाना है तुम्हें, इतने सवाल क्यों, इतनी जानकारी क्यों? जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कब किससे और क्यों मिलने जा रहे हो। क्यों जानना है तुम्हें, किस हक से जानना है? दोस्त होने के हक से। दोस्त इतने सवाल नहीं पूछते, बेबे पूछती है। अब तू मेरी बेबे बनोगी? बेबे क्यों बनूं मैं? तो फिर चुप कर। चुप क्यों रहूं, वीरांगना हूं मैं। जब तक जवाब नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। हट जा मेहताब। मैंने कहा ना, बताओ कहां जा रहे हो? है कोई खास इंसान जिससे मिलने जा रहा हूं। खास इंसान? हाँ, वो देख हवा। जीते, मैं दोस्ती निभाऊं तो भी ऐसे पेश आता है, और वो गुलाब सिंह बदतमीजी भी करे तो भी उसके घर जाता है। अत्याचार है अत्याचार। रणजीत सिंह के पिता ने तेरे पिता का सरेआम अपमान किया है। महासिंह और गुरबख्श सिंह ने सरेआम हमारी गुजराती रियासत की बेइज्जती की है। अब तुझे भी सरेआम रणजीत सिंह को हराना होगा। तुझे ही अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा। तुझे ही सबकी नजरों के सामने बनना होगा, देश का तारा। इस आग को अपने अंदर जलाए रखना पुत्र, कभी बुझने ना देना। अपने पिता, अपनी रियासत की बेइज्जती का बदला लेना होगा, और इस जंग की शुरुआत तुझे आज से अभी से शुरू करनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। मैं ही बनूंगा देश का तारा। जिंदा रहे पत्थर, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। महासिंह, गहरा दर्द क्या होता है ये जानने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत गुरूर है ना अपनी और गुरबख्श सिंह की दोस्ती पर। अब मैं तुम दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा करूंगा कि तुम दोनों की तलवारें एक दूसरे का खून मांगेंगी।
क्यों ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर? था कि उम्र के साथ तुम्हारी अकल भी बढ़ेगी, पर मैं गलत था। पूछ बनने की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम अगर नहीं बताओगे कि कहाँ जा रहे हो तो मुझे पीछा तो करना पड़ेगा ना। जिद्दी तुम भी। चलो अब घोड़े पर बैठो और जंगल के बाहर चलो। क्यों? बता भी, वो लड़कियों का जंगल में आना खतरे से खाली नहीं है। ये बार बार तुम मुझे अपने से कम क्यों समझते हो? मैं भी वीरांगना हूँ और मैं भी शस्त्र शिक्षा ले रही हूँ, और ऐसा कौन सा खतरा है जो मुझे हो सकता है लेकिन तुम्हें नहीं? तुम क्या अपने सर पे सींग लिए घूमते हो? नहीं, आजकल तो पूत से काम चला रहा हूँ। चाचा जी और चाची जी को अगर तुम ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। चलो बैठो घोड़े पर। नहीं, पहले तुम ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो। महताब काना नहीं बता सकता, वक्त आने पर बता दूंगा। महताब कौर को इंतजार करने की आदत नहीं है रंजीत, जो भी चाहिए होता है फौरन मिल जाता है। तो आदत बदल लो मेहता, मेरा जवाब के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। पीछे तो आओगी और जंगल के बाहर। क्या रंजीते, ये तो बेईमानी है। अच्छा तो चोरी छुपे पीछा करना बेईमानी नहीं है?